कैसे हो और वेलकम टू माय चैनल आदित्य अग्रवाल सुपर। तो दोस्तों सॉरी क्योंकि मैं आपके लिए इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे थे। तो आज कल भी ऑनलाइन टेस्ट हो है मेरे, पर आज संडे है तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो आपके लिए ला देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर ला एक न्यूज स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है द किंग्स कंडीशन। तो बहुत समय पहले की बात है, आंध्र प्रदेश के गांव में विजयनगर में एक राजा जी रहते थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय। वो बहुत मजाकिया थे और बहुत अच्छे भी थे। ओके तो एक उनके बहुत सारे मंत्री थे, तो एक मंत्री का नाम था तेनाली रामा। ओके तो एक दिन कृष्णदेव राय ने ये सोचा क्यों ना आज मंत्रियों के साथ कुछ मजाक किया जाए। ऐसा करके वो जो मंत्रियां होते हैं सारे मंत्रियों को एक दिन बुलाते हैं महल में ना। वो कहते हैं आज मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। ऐसा करके मंत्री सारे खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, वाह 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 महाराज हमें 100 सिक्के के वो देने वाले हैं, वाह। ऐसा करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। पर ना जब कृष्णदेव राय जी आए ये बोलते उसके पीछे कंडीशन भी है, सारे मंत्री दुखी हो जाते हैं। अरे अब इनके पीछे क्या कंडीशन है कि उन्होंने ये बोला ही तुम्हें जब भी तुम ये कॉइन्स खर्च करोगे तब तुम्हें मेरी शक्ल देख के ही करना पड़ेगा और सारे कॉइन्स तुम्हें एक महीने के अंदर ही खर्च करने हैं। ऐसा करके सबको कॉइन्स मिल जाते हैं और फिर चल देते हैं। तो फिर एक दिन तीन लोग होते हैं, तीन मंत्री, वो बाजार में गए वाले होते हैं। तो फिर एक आदमी ये बोलता है चलो चलो हम सामान लेते हैं। तो फिर तीसरा आदमी बोलता है नहीं 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 महाराज ने कंडीशन भी रखी थी, वो कहा था ही जब वो हमको हमारी शक्ल देख के ही करना होगा सारा सामान लेना है। ऐसा करके वो क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं अभी महाराज जी आएंगे घर तो बस हम उनकी शक्ल देख लेंगे और ले लेंगे। पर ऐसा नहीं होता, एक महीना बीत जाता है। क्या होता है वो ना महाराज जी बाजार में नहीं आते और उन मंत्रियों को तो मौका ही नहीं मिलता उनकी शक्ल देखने का, है ना, तो खर्च ही नहीं कर पाते वो कोई भी कॉइन्स। फिर एक महीना बीत जाता है, फिर वो लोग सारे महल चलते हैं महाराज जी को दिखाने उन्होंने क्या लिया है। पर जब जाते हैं तब जब आते हैं तो महाराज जी ये पूछते हैं क्या क्या तुमने लिया है मुझे दिखाओ। ऐसा करके वो बोलते हैं महाराज जी आपकी शक्ल हम नहीं देख पाए तो फिर हम कुछ भी नहीं ले पाए। ओके पर उनके बाद तेनाली रामा आते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, जैसे नए नए क्लोथ्स पहन के आते हैं ना, न्यू गोल्ड ज्वेलरी पहन के आते हैं। फिर उनके बाद तेनाली रामा की टर्न आती है। तो फिर महाराज जी पूछा तेनाली रामा तुमने इतना सारा सामान कैसे बाई करा। तो फिर तेनाली रामा जी बोलते हैं मैं आपने जो मुझे 100 गोल्ड कॉइन दिए थे मैंने उनसे बाई किया। तो फिर महाराज जी बोलते पर मैं तो बाजार में आया ही नहीं तुमने इतना सारा सामान कैसे बाई कर लिया। तो फिर तेनाली रामा जी बोलते हैं आपको मैं एक सोने का सिक्का दिखाता हूँ। तो वो अपनी पोटली से एक सोने का सिक्का निकालते हैं, उनके पीछे क्या होता है राजा जी की फोटो छपी होती है। तो तेनाली रामा जी ये बोलते हैं जब भी मैं कुछ खर्च करने का सोचता था मैं आपकी फोटो देखता जाता था और खर्च करता जाता था, देखता जाता था खर्च करता जाता था। ओके तो उसके बाद तेनाली जो महाराज होता है बहुत खुश हो जाता है और सबको बोलते हैं देखो तेनाली रामा ने मेरे सोने का सिक्कों को यूज करा और तुम लोग ने क्या किया, तुमने तो बस ये तो आगे ही देखते रहे पीछे भी तो देखना ही चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा ये इस कहानी से इस कहानी में ही तेनाली रामा ने कॉमन सेंस यूज किया, बाकी तो मंत्री इंटेलिजेंट थे पर उन्होंने कॉमन सेंस यूज नहीं किया। तो फिर हमें भी कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी किसी प्रॉब्लम में हमें अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर ये नहीं सोचना है बस हमें कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड बाय बाय।